इस यूनिट में हम बी का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट के बाद आपका एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट आएगा, यानी वो स्ट्रक्चर जिसमें वर्ब का यूज़ नहीं होता है, एडजेक्टिव आता है और आपका एडवर्ब आएगा, नाउन आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम आएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। देखिए ये स्ट्रक्चर आपका बी या इजारे में, जैसे इसमें देखिए नाउन प्रोनाउन बी आएगा, बी की जगह इजारेम रहेगा आपका, पास्ट होगा तो वॉज वर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल है तो वर्ड लगेगा आपका, आई के साथ एम का यूज होगा, अगर यहाँ सब्जेक्ट की जगह आई है प्लूरल है तो प्रेजेंट में आर लगेगा और सिंगुलर है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगेगा। कॉम्प्लीमेंट आएगा, इसमें वर्ब नहीं आएगी आपकी, कॉम्प्लीमेंट आएगा, एडवर्बियल आएगा, कॉम्प्लीमेंट में आपका नाउन एडजेक्टिव होगा और एडवर्बियल में आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम होगा, तो ये दोनों हो सकते हैं आपके। तो ये स्ट्रक्चर अपन स्टडी करेंगे, इसमें ये स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस बनाएंगे जिसमें इजारेम और एडजेक्टिव नाउन आएगा, इधर वर्ब नहीं आएगी, ध्यान देखना इसमें वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये आपकी यूनिट है फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल यानी वो स्ट्रक्चर है ये वाला, सब्जेक्ट बी की जगह, बी का मतलब ही इजारेम वॉज वर्ब है, पास्ट में वॉज वर्ब, प्रेजेंट में इजारेम, कॉम्प्लीमेंट में नाउन आपका एडजेक्टिव होगा, एडवर्बियल में एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा और फिर टाइम आएगा आपका, ये सब्जेक्ट की जगह आपका नाउन प्रोनाउन हो सकता है। देखिए इधर, हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बी इन द प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल, अब दिस इज माई ब्रदर, ये आपका प्रोनाउन है, दिस इज माई ब्रदर, ये नाउन है आपका, तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये नाउन है, नाउन फ्रेज है तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। ही इज 10 years old, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, 10 years old, कॉम्प्लीमेंट है आपका। आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये सेंटेंस जिसमें आपका बाद में नाउन आता है, एडजेक्टिव आती है, ये आपके सेंटेंस है। अब ये यूज़ क्यों होगा, देखो इधर, पहले अगर हमें ये बताना है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन, वो इधर वाला नाउन के बराबर है, यानी ये जो सब्जेक्ट है वो ये है, जैसे आई एम अ डॉक्टर, तो जो आई है ना सब्जेक्ट की जगह वो कौन है, डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर हूँ, और दिस इज माय ब्रदर, ये दिस जो है वो मेरा भाई है, तो यहाँ भी नाउन हो जाएगा, माय ब्रदर नाउन हो जाएगा, और दिस आपका प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है वो ये वाला नाउन हो गया। ऐसे अगर हमें ये इसकी विशेषता बतानी हो तो एडजेक्टिव यूज होगा, अब ही इज रिच, वह अमीर है, केवल हम ये बता रहे हैं कि ये नाउन है या ये प्रोनाउन ये नाउन है, ठीक है, या उसकी विशेषता बताते हैं, हम इसमें वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, या हम जब ये बताएं कि ये जो सब्जेक्ट है वो किस जगह है, यानी किस पोजीशन पर है, पोजीशन का मतलब किस जगह है, तो वहाँ आपका क्या जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, उसके बाद टाइम आएगा, अगर आपका पास्ट है तो पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम लगेगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम लगेगी। तो बस इसी इंफॉर्मेशन देने के लिए स्ट्रक्चर का यूज होता है, देखिए इसमें कहीं वर्ब नहीं आ रही है, दिस इज माय ब्रदर, ये कौन है, मेरा भाई है, तो नाउन आ गया, और वो 10 साल का है तो ही आपका प्रोनाउन है, और 10 years old आपका ये एडजेक्टिव 10 साल का, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कौन हूँ, या नाउन है ये प्रोनाउन है, तो मैं जो हूँ वो स्टूडेंट हूँ, और दीज आर माई बुक्स, ये जो चीज़ें ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं, तो ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया था। दे आंट एट होम, ये एडवर्बियल हो गया, यानी वो लोग कहाँ नहीं है, घर पर नहीं है, दे आंट एट होम, अब वो कहाँ पर हैं, थिएटर पर हैं, वो थिएटर में है, तो दे आर एट द थिएटर। तो ये आपका सेंटेंस ऐसे बनेंगे आपके,
इसमें आपका इज आर एम वॉज वर लगेगा, इज आर एम अभी केवल प्रेजेंट है तो इज आर एम ही पढ़ेंगे अपन। सिंगुल आई के साथ एम लगेगा, शॉर्ट फॉर्म में ये होगा, यू के साथ आर होगा, यू आ होगा, शॉर्ट फॉर्म ऐसी होगी, ही से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगेगा, शॉर्ट फॉर्म में अपोस्ट्रॉफ एस लगा देंगे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे इनको। बी के साथ आर, शॉर्ट फॉर्म ये है, इधर शॉर्ट फॉर्म, इधर फुल फॉर्म है आपकी, ठीक है। अब नेगेटिव भी फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में दी गई है, आई एम नॉट और यू आर नॉट, ये आपके शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म है। इधर इस यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इन स्पीच, स्पीच में यानी स्पोकन में या स्पीकिंग में वी यूजुअली यूज शॉर्ट फॉर्म्स, हम सामान्यतः शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। ही इज़ माई सिस्टर, सी इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई ब्रदर, आई एम फ्रॉम इटली, और दे आर जर्मन, ठीक है, दे आर जर्मन, आ का साउंड निकलेगा, दे आर जर्मन, आम, ठीक है, आई एम फ्रॉम इटली, ही इज़ माई ब्रदर, सी इज़ माई सिस्टर। अब देखिए वी यूज़ बी, बी का यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, जो मैंने अभी बताया था कि जब हम ये बताना हो कि ये नाउन है क्या चीज़ है, और विशेषता बतानी हो तो एडजेक्टिव रखेंगे, प्रेजेंट हो तो इज आर एम लगाएंगे, पास्ट है तो वॉजबल लगाएंगे, अगर वो है कहाँ पर है तो प्लेस ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्बियल कहलाएगा ये पूरा, चाहे टाइम आए और या आपका प्लेस आए तो वो एडवर्बियल होगा, एडजेक्टिव और नाउन आए इज आर एम के बाद तो कॉम्प्लीमेंट होगा वो। चलिए देखिए यूज देखिए, ये बुक है आपकी ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर विद, इसके पब्लिशर और राइटर हैं। नेक्स्ट वी यूज बी टू से हु वी आर, बी का यूज यानी इज आर एम का यूज हम करते हैं जब हम ये बताना चाहें कि हम हैं कौन है, तो देखो कौन है, आई एम ए स्टूडेंट, और या इसमें ये इन्होंने नहीं बताया कि या कोई चीज़ है क्या चीज़ है, ये भी अपन बोल सकते हैं, जैसे दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं, हम हैं कौन है या कोई चीज़ है क्या चीज़ है, तो हम इधर नाउन रखेंगे, जैसे इधर इन्होंने नाउन रख दिया है आई एम ए स्टूडेंट, तो मैं कौन स्टूडेंट हूँ, ये क्या चीज़ है, मेरी बुक्स है। जैसे आई एम स्टीव, मैं स्टीव हूँ, और ये मेरा फ्रेंड बिल है, और वी आर फ्रॉम स्कॉटलैंड, और हम कहाँ से हैं, स्कॉटलैंड से, तो ये एडवर्बियल हो गया, हम स्कॉटलैंड से हैं। आई एम जैनेट, मैं जैनेट हूँ, और ये मेरी सिस्टर्स हैं, ये सैंड्रा है और ये पैट्रिसिया है, सैंड्रा और पैट्रिसिया ये कौन है, दोनों डॉक्टर्स हैं। तो ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देने के लिए सब्जेक्ट के बारे में हम इनका यूज़ करेंगे बी का। सेकेंड सेंटेंस इज टॉक अबाउट वेदर, वेदर से संबंधित जो भी आपके सेंटेंस बनेंगे वो इट से स्टार्ट होंगे, इट इज़ कोल्ड टुडे, आज ठंड है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, दिन बहुत प्यारा यानी सुंदर, अब अच्छा दिन है, इट इज़ यूजुअली हॉट हियर या सामान्यतः गर्मी होती है या रहती है की बातें, हिंदी में कोई भी सेंस निकालें, इंग्लिश में यही होगा इसका, इट इज़ यूजुअली हॉट हियर या सामान्यतः गर्मी पड़ती है या होती है या रहती है की बातें, इट इज़ नॉट वेरी वार्म टुडे, आज गर्माहट नहीं है यानी गर्मी नहीं है, गर्मी का मतलब ये कम्फर्टेबल गर्मी नहीं है, ठीक है, हॉट का मतलब अनकम्फर्टेबल और वार्म का मतलब कम्फर्टेबल रहता है। तो इट से स्टार्ट होंगे जब भी वेदर से संबंधित जितने भी सेंटेंस हैं, जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, हालांकि उसमें वर्ब आ रही है तो वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आएगा तब हम बात करेंगे, इसमें वर्ब नहीं है इसीलिए हम इज आर एम लग कर, ये आपके एडजेक्टिव आ रही है, ये एडवर्बियल यानी टाइम है आपका, ब्यूटीफुल डे नाउन है आपका, आज दिन बड़ा अच्छा है, और इट इज़ यूजुअली हॉट हियर, ये हॉट आपके एडजेक्टिव है, हियर आपका एडवर्बियल है, ठीक है, ये भी एडवर्बियल है यूजुअली, जैसा कि आपने पहले जो वीडियो बना था उसमें बताया था कि ये आपके जो है क्या एडवर्बियल रहते, देखना एक मिनट, देखो एडवर्बियल में आपका ये एडवर्बियल है, एडवर्बियल में एक्चुअली हुआ, रियली हुआ, ये सब एडवर्बियल है, जो पिछले यूनिट में जब मैंने ये यूनिट पढ़ाई थी आपको, आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें एडवर्बियल ये स्ट्रक्चर चल रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हैं अपन, और ये वाला एडवर्बियल वाला, ये दो स्ट्रक्चर अपन इसी यूनिट में पढ़ रहे हैं।
ये दोनों स्ट्रक्चर, इसकी फुल यूनिट है। चलिए देखिए, टू टॉक अबाउट टाइम, टाइम से संबंधित जितने भी सेंटेंस वो भी से ही स्टार्ट होंगे। इट इज़ 10 o'clock, 10 बज गए या 10 बजे। इट्स 4:30, 4:30 बज गए, 4:30 बजे हुए की बात है। यू आर लेट, आप लेट हैं, एडजेक्टिव है आपकी। अब देखिए, टू टॉक अबाउट प्लेसेस, जब हम कोई व्यक्ति या कोई चीज़ कहाँ पर है जब हम बात करेंगे तो ये एडवर्बियल होगा आपका, ये जगह होगी आपकी, ठीक है। मेलन कहाँ है? नॉर्थ ऑफ इटली में है, इन द नॉर्थ ऑफ इटली, इटली के नॉर्थ में है वो, तो ये जगह हो गई एडवर्बियल। जब हम ये बताना चाहें कि वो नाउन या सब्जेक्ट कहाँ है। जॉहन एंड मैरी कहाँ पर है? इन यॉर्कशायर में, यॉर्कशायर जगह है, प्लेस है ये, यहाँ पर है ये इन। तो प्रपोजिशनल फ्रेज कह लीजिए, एडवर्बियल कह लीजिए, प्रपोजिशन से स्टार्ट होती है। पिछले यूनिट में ये थोड़ा हमने बताया था उसमें। टू टॉक अबाउट पीपल एज, जब लोगों की हम उम्र की बात करें तो माय सिस्टर इज 6 years old, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, 6 साल की है वो। तो ये आपका हो गया, ये इज आर एम फर्स्ट। सेकंड में क्या है इसका? ये एक्सरसाइज है, इज आर एम आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। प्रेजेंट के बारे में इज आर एम ही लगाना है, प्रेजेंट का चल रहा है, आप कर लीजिए, पॉज करके इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। इज आर एम लगाना है, कुछ नहीं है इसमें। सी के साथ इज लगेगा, सी इज फ्रॉम अमेरिका, आई एम 22 years old, 20 years old, सॉरी। माई ब्रदर इज टू, अब टू देखो, माई ब्रदर तो सिंगुलर है तो यहाँ इज लगेगा, अब टू को देखकर मत लगाना आप, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, और सब्जेक्ट आपका माई ब्रदर सिंगुलर है तो इज ही लगेगा आपका। टू तो उसका एज है वो, कि वो 2 साल का है मेरा भाई, तो वहाँ आप आर ना लगाना, यहाँ आपका आर लगेगा, क्योंकि यहाँ माई ओल्डर ब्रदर्स हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर लगेगा, ठीक है। तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो स्टूडेंट्स हैं, दे आर इन द आर्मी, तो ये कर लेना। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में और इज आर एम लगाना है, आपको सेंटेंस को देखना है, इज आर एम फिल करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है आपको, सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही आपको इज आर एम लगाना है। नॉट, इन्होंने बोला है कि अगर ब्रैकेट में नॉट दिख रहा है तो वो आपको नेगेटिव में इज आर एम के बाद नॉट लगा देना। आई एम अ डॉक्टर, ब्रैकेट में नॉट नहीं है तो पॉजिटिव बनेगा। फर्स्ट है आपका सी इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं है, ही इज अ स्टूडेंट, वह स्टूडेंट है, और दे आर एट होम, वे घर पर हैं। दे के साथ आर लगेगा, दे आर नॉट इन द पार्क, ये एडवर्बियल यानी प्रपोजिशनल फ्रेज कह लीजिए, एडवर्बियल कह लीजिए, एडवर्ब प्लेस हो गया, एट होम आपका एडवर्बियल प्लेस हो गया, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, ये भी आपका नाउन नाउन है, ये भी आपका नाउन है। इट इज नॉट कोल्ड टुडे, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्बियल हो गया। तो ये आपका सेंटेंस बना लेना, इट इज 8 o'clock, ये टाइम से संबंधित जो भी है वो इट से स्टार्ट होंगे, और वी आर फ्रॉम पेरिस, ये बना लेना, ये भी सेंटेंस है आपके। चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू पुट इन द गैप्स, ये जो है आपको इस गैप में रखने हैं। माय पेरेंट्स लिव इन स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड दे आर टीचर्स, वे कौन है? टीचर्स हैं। इस पर अभी ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये बाद में जब टेंस आएंगे फिर अपन पढ़ेंगे, केवल अभी समझने के लिए और इस पर ध्यान देना। न्यूयॉर्क इज नॉट इन इंग्लैंड, न्यूयॉर्क इंग्लैंड में नहीं है, इट इज़ इन अमेरिका, अमेरिका में। और पॉल इज फ्रॉम जर्मनी, पॉल जर्मनी से है इसलिए ही इज जर्मन, वह जर्मन होगा, ठीक है। या उसका प्रोनाउन यूज करके आपको इज आर एम लगा कर ये पूरा फिल करना है, ऐसे ये कर लेना। इसमें देखिए, इन्होंने एक डन करके दिया है, ये व्यक्ति हैं कौन है, पॉप स्टार है कोई, फार्मर है, बैंक मैनेजर है, डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, फोटोग्राफर है, साइंटिस्ट है, फिल्म स्टार है, टीचर है, आर्टिस्ट है, फार्मर, ठीक है, बैंक मैनेजर। तो इसमें ये देखना है कि
कौन क्या है, पिक्चर को देखकर पता करना है, और पिक्चर देखकर पता करके आपको वैसी सेंटेंस बनाना है जैसे उन्होंने बनाए। पहले नेम्स देखो, इन्होंने अपना नेम बताया, आई एम पॉलो एंड दिस इज फेडरिको। ये बता रहा है कि मैं पॉलो हूँ और ये फेडरिको, इंट्रोड्यूस करा रहा है इसको। नेशनैलिटी इन्होंने बताई है कि हम इटली से हैं, वी आर फ्रॉम इटली। जॉब्स बताए इन्होंने, आई एम अ पुलिसमैन एंड फेडरिको इज अ फुटबॉलर। मैं एक पुलिसमैन हूँ और फेडरिको एक फुटबॉलर है। ऐसे ही आपको ये करना है, ये कौन है पिक्चर को देखना है, उसके बाद आपको इसमें से भर लेना है कौन सा सेंटेंस बनानी है, और फिर आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है इसको। सेकेंड यूनिट में आपका क्या है, और कुछ यूजेज हैं बी के। इसमें बोला हम बी का यूज करते हैं जब हम ये बताना चाहें हम कैसा फील करते हैं, तो एडजेक्टिव आएगी, यानी सब्जेक्ट कैसा फील करता है किस कंडीशन में, तो एडजेक्टिव रखेंगे जिसे अपन कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आई एम हैप्पी यानी आई एम फीलिंग हैप्पी, जब आई इफ यू आर फीलिंग हैप्पी देन यू आर हैप्पी। ओके, तो आई एम हैप्पी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, खुश हैं तो हैप्पी लगेगा। दे आर सैड, वो दुखी हैं यानी वो थोड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं, दुख है उन्हें, तो दुखी हैं, दे आर सैड हो जाएगा। एडजेक्टिव में आपकी ये सभी एडवर्ब वो कॉम्प्लीमेंट है। दे आर बोर्ड, दे आर फीलिंग बोर्ड सो दे आर बोर्ड। ही इज टायर्ड, सी इज टायर्ड सॉरी। वी आर हंग्री, आई एम थर्स्टी, प्यासा हूँ मैं। ही इज नॉट एफ्रेड, वह डरा हुआ नहीं, और दे आर कोल्ड, उन्हें सर्दी लग रही, यानी दे आर फीलिंग कोल्ड मीन्स दे आर कोल्ड। आई एम कोल्ड, आई एम हॉट, आई एम हॉट भी सही है, आई एम हॉट मीन्स है आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही, तो आई एम हॉट, कैन यू प्लीज ओपन द विंडो। ओके, तो आई एम हॉट सेंटेंस आपका गलत नहीं है। आई एम हॉट मीन्स आई एम फीलिंग हॉट, आई एम कोल्ड मीन्स आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम हैप्पी मीन्स आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम हंग्री मीन्स आई एम फीलिंग हंग्री। टू ग्रीट पीपल, लोगों से मिलने के लिए, हेलो बिल, हाउ आर यू, कैसे हो, तो भी हम इज आर एम का यूज़ करेंगे। जैन बोलते हैं आई एम फाइन थैंक्स, अच्छी हूँ मैं, फाइन, ठीक है, बढ़िया हूँ। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हाउ से जो है कैसे हैं आप, तो भी हम वही चीज़ पूछेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम, ठीक है, नर्वस, या आई एम बोर्ड, तो वो एडजेक्टिव निकल के आएगी आपकी। टू एम्फसाइज, टू सॉरी, टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगने के लिए, आई एम सॉरी, आई एम लेट, माफ़ कीजिए, तो भी हम इज आर एम का यूज़ करेंगे। टू डिस्क्राइब थिंग्स, चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, अब आ गई वही चीज़, लोग जब फील करें, कोई पर्सन फील करे, तो वो एडजेक्टिव आपकी उनके हिसाब से फीलिंग वाई लगेगी, तो आई एम सैड है। अब कोई चीज़ है कैसी, तो वो भी एडजेक्टिव का यूज़ होगा, उसकी विशेषता बताएगी। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, यह महंगी नहीं है, इट इज़ चीप, यह सस्ती है। इट इज़ एन ओल्ड फिल्म, यह बहुत पुरानी फिल्म है, और इट इज़ नॉट वेरी गुड, ये भी एडजेक्टिव है आपकी, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो ये दोनों मिलाकर एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो यह बहुत पुरानी है, तो ये अभी जो एडजेक्टिव आ रही है, नाउन आ रही है, ये सब आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ना तो प्लेस ना टाइम आ रहा है आपका। तो ये इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट वाले स्ट्रक्चर्स बनेंगे और आपका एडवर्बियल वाले बनेंगे। दीज फोटोज, ये जो फोटोज हैं वो बैड बेकार हैं, ठीक है। फॉर अदर यूजेज ऑफ बी सी यूनिट फर्स्ट, उन्होंने बोल दिया कि और यूजेज है, वो यूनिट फर्स्ट में देखें जो अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं। अब आ जाइए, ये देयर से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा ये कब यूज़ होगा आपका, टू टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, जब हम पहली बार किसी की एग्जिस्टेंस बताएं कि कोई चीज़ कहीं पर मौजूद है या कहीं पर है, पहली बार, फर्स्ट टाइम, इनडेफिनेट आएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बताते हैं तो वह इनडेफिनेट नाउन यूज़ होगा उसमें। अब इसमें जो इज आर एम यानी बी लगेगा वो आगे आने वाले नाउन ही होगा, ध्यान रखना नाउन ही होगा, और इनडेफिनेट आर्टिकल या डिटर्मिनर लगेगा आपका। तो देयर से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होंगे उसके बाद जो आपका नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका इज आर एम लगेगा। अब आगे देयर के बाद इज मत लगाना, एम तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर आपका जो भी नाउन आएगा सिंगुलर और प्लूरल होगा।
कैन बी यूज टू टॉक अबाउट वेयर थिंग्स आर, जब हम ये बताना चाहें कि जो जो चीज़ है वो पहली बार बताना चाहें कहाँ पर है, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, देयर लगेगा, बी लगेगा, उसके बाद इनडेफिनेट नाउन आएगा, उसके बाद एडवर्बियल ऑफ प्लेस ऑफ ए टाइम आ जाएगा। तो देखिए, देयर इज अ सुपर मार्केट, एक सुपर मार्केट है कहाँ पर, इस स्ट्रीट में, इस गली में, तो पहली बार बता दिया उसको, तो इनडेफिनेट नाउन यूज हुआ है उसमें, इनडेफिनेट नाउन, ठीक है, या इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ इनडेफिनेट नाउन ही हो गया वो पूरा फ्रेज। अब देयर इज अ टेलीफोन इन द फ्लैट, इस फ्लैट में जो है ये जो बात कर रहे हैं उस फ्लैट में एक टेलीफोन है, तो पहली बार बता दिया है इसीलिए इनडेफिनेट यूज हो गया। जब फर्स्ट बार किसी की हम चर्चा करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट डिटरमिनर के साथ वो नाउन यूज होगा। प्लूरल में देयर आर लगाना, क्योंकि यहाँ प्लूरल हो जाएगा तो आर लग जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लगेगा। देयर आर सम गुड कैफेज इन द सेंटर ऑफ द टाउन, वो पहली बार बता रहा है, अगर प्लूरल होगा तो सम लग जाएगा, अगर सिंगुलर है तो आ लगेगा, ये दोनों इनडेफिनेट डिटरमिनर हैं आपके, अगर प्लूरल हो तो सम लगा देना। तो देयर आर सम गुड कैफेज इन द सेंटर ऑफ द टाउन, आगे देखिए। अब यू ऑल्सो यूज देयर प्लस बी टू टॉक अबाउट वेन थिंग्स हैपन, यदि कोई इंसिडेंट हम बताना चाहें नाउन के रूप में कि ये घटना थी वहाँ पर, या घटी थी या है, ठीक है, या होती है, तो भी हम देयर से स्टार्ट करेंगे जब पहली बार बताना हो। देखो, देयर इज अ बस टू लंडन एट 6 o'clock, अब देखो, देयर इज अ बस, एक बस है कहाँ के लिए, लंडन के लिए, कितने बजे, 6 बजे, तो ये जगह हो गई, एडवर्ब ऑफ प्लेस टू से स्टार्ट हुआ, और ये आपका टाइम एडवर्ब हो गया, ये आपका नाउन हो गया, यानी ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये एडवर्बियल हो गया, वो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं अपन, ये वाला कॉम्प्लीमेंट नाउन, ठीक है, फिर एडवर्बियल, पहले प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा, कभी कभी टाइम पहले भी आ जाता है सब्जेक्ट्स के, ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, पहले भी आ जाएगा, लेकिन बेसिक वैसे प्लेस के बाद ही आता अगर आए तो, और कभी कभी पहले भी मिल जाएगा आपको सेंटेंस में, तो टाइम आपका यहाँ आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो आगे देखिए, क्लियर है ये, दूसरा देखिए, देर आर टैक्सीज, आर टैक्सियाँ हैं लेकिन कोई बस नहीं आ संडे को, यानी संडे को टैक्सियाँ तो हैं कोई बस नहीं है, या ये कह लीजिए कि संडे को टैक्सियाँ तो चल रही हैं, बस एक भी नहीं चल रही है। अब इसमें चलने का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन आप वो सेंस वही है आपका। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नॉट अनदर ट्रेन टू मैनचेस्टर टुडे, आज मैनचेस्टर के लिए कोई दूसरी ट्रेन नहीं है, अनदर ट्रेन, कोई भी ट्रेन दूसरी नहीं है मैनचेस्टर के लिए, तो ये प्लेस एडवर्ब हो गई, ये टाइम एडवर्ब हो गई, ये अनदर ट्रेन आपका नाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए, वी फॉर्म क्वेश्चंस विद बी इन द प्रेजेंट सिंपल, क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हम जब यस नो क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, तो ये हाँ ना का जवाब वाले जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। हियर आर सम मोर एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग ऑल द फॉर्म्स ऑफ बी, बी के क्वेश्चंस देखिए, एम आई लेट फॉर द फिल्म, क्या मैं लेट हो गया हूँ, यस यू आर, हाँ हो गए हो आप। आर यू 22 years old, क्या आप 20 साल के, यस आई एम, हाँ मैं हूँ। इज ही एट होम नाउ, यस ही इज, ये नेगेटिव होगा, नो ही इज नॉट, तो ये यस नो वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस जब बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब जो भी ये इज आ रहे हैं वो सब्जेक्ट से पहले ले लोगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, वो भी हाँ ना वाले, डब्ल्यू एच क्वेश्चन अलग होंगे, उसका हाँ ना में आपका आंसर नहीं दे सकते आप, तो जिसका हाँ ना में आंसर दे सकते हैं वो हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेना केवल। चलिए जी देखिए, ये पिक्चर को देखकर आपको इन एडजेक्टिव से आपको इनकी कंडीशंस बतानी है। देखो, अब ये मेक सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स, सेंटेंस बनाना है आपको पिक्चर के बारे में, इन जो वर्ड हैं आपके बॉक्स में उसको यूज करके, ही सी इट यानी प्रोनाउन है, उनको देखकर प्रोनाउन लगाना, ही सी इट दे, और प्रेजेंट सिंपल ऑफ बी का यूज करना है, और ये एडजेक्टिव लगानी। चलिए, ये लड़की है तो सी इज थर्स्टी, प्यासी है, क्योंकि देखिए सन है और इसको स्वेटिंग हो रही है और पानी का गिलास रखा हुआ है, इसका मतलब उसकी कंडीशन है, सी इज थर्स्टी। अब ये थोड़ा फॉग है चारों तरफ और ये सर्दी के कपड़े पहने होते, ही इज
कोल्ड हो जाएगा, ही इज कोल्ड, यानी उसे सर्दी लग रही है। 20 पर है, मस्ती कर रहे हैं ये दोनों, तो दे आर हैप्पी, हैप्पी होगा इसमें, हाँ दे आर हैप्पी, दो है तो दे हो जाएगा। अब इस डॉग ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, तो ही इज थर्स्टी, हाँ सॉरी ही इज एफ्रेड, थर्स्टी नहीं एफ्रेड होगा। अब ये एग्जाम दे रही है तो बोर है, काफी बोर महसूस कर रहे, तो सी इज बोर्ड। अब ये बेकरी के सामने, ये बेकर्स की शॉप है, उसके सामने जो है खड़ी हुई है, अब काफी भूखी है, ये भूखा है जो भी है, तो सी इज थर्स्टी, सॉरी सी इज हंगरी। और ये जो है आपका एक दूसरे काफी ये सैड है, एक दूसरे सी ऑफ कर रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, तो दे आर सैड हो जाएगा। और ये आपके जो है थके हुए हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दे आर टायर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपको देयर से बनाना है कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। ठीक है, जो चीज आपकी है वो राइट लगा होगा और जो चीज नहीं है उस पर क्रॉस लगा होगा। तो देखो ये क्रॉस लगा है, नेगेटिव होगा, और देयर से स्टार्ट करना सेंटेंस। इस पर राइट लगा है तो इसका मतलब ये चीज है टाउन में। ये स्मॉल वुड का एक टाउन है, उसमें ये चीजें हैं और चीज नहीं है, रिवर नहीं है, तो देयर इज नॉट अ रिवर। या देखना अगर सिंगुलर है तो इज लगाना, प्लूरल है तो आर लगाना, और अगर कटा हुआ है तो नॉट लगा देना इज आर एम के बाद। देयर इज अ सिनेमा, तो राइट लगा हुआ है तो सिनेमा तो है, रिवर कटी हुई तो रिवर नहीं है, तो देयर इज नॉट, देयर इजंट अ रिवर। रेस्टोरेंट्स हैं तो देयर आर 10 रेस्टोरेंट्स। कैस्टल है तो कैस्टल, देयर इज अ कैस्टल। बेकर की शॉप्स हैं तो देयर आर 2 बेकर शॉप्स। जू है, हाँ है, राइट लगा हुआ है तो देयर इज अ जू। बैंक हैं, हाँ बैंक्स हैं, तो देयर आर 6 बैंक्स। अ लग्जरी होटल है तो देयर आर लग्जरी होटल। थिएटर नहीं है, देयर इज नॉट अ थिएटर। ठीक है, तो ऐसे ये कर लेना आप। न्यूज एजेंट्स भी हैं, 6 न्यूज एजेंट, देयर आर 6 न्यूज एजेंट्स। टूरिस्ट, मैनी टूरिस्ट आते हैं या होते हैं, तो देयर आर मैनी टूरिस्ट, हाँ सॉरी ये इसमें कटा हुआ, तो दे आरंट मैनी टूरिस्ट। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं, पहले दिख रहा होगा वो पहले ले लेना है, क्वेश्चन बनाने जैसे इन्होंने बनाया है। आर यू थर्स्टी, तो यू के पहले आर लेना है आपको और फिर ये लास्ट में जाएगा। तो आर यू थर्स्टी, पहले ये आएगा फिर ये आएगा और फिर थर्स्टी आएगा, और जो भी सेंटेंस स्टार्ट करोगे कैपिटल लेटर से, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्वेश्चन बनाना है। आर यू थर्स्टी, आर यू टीचर, ठीक है, ऐसे ये सेंटेंस बना दें। पुट द वर्ब ऑफ बी इन द कॉन्वर्सेशन इन दिस कॉन्वर्सेशन, इस कॉन्वर्सेशन में आपको इज आर एम का यूज करते हुए सेंटेंस को फुल यानी फिल करना है। स्टीव बोलता है दिस इज जॉन माय सिस्टर, ये जॉन मेरी सिस्टर है। टॉम बोलता है हेलो जॉन। आर यू स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं। जॉन बोलती है नो आई एम अ डेंटिस्ट, नहीं मैं डेंटिस्ट हूँ और ब्रिटेन में मैं काम करती हूँ। ये फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हो गई। दूसरी देखिए, माई बोलता हाउ आर यू सैली, सैली कैसी हो। सैली बोलती है आई एम फाइन थैंक्स, बढ़िया हूँ अच्छी हूँ। माइक बोलता है आर यू हंगरी, क्या आपको भूख लग रही है। आर यू फीलिंग हंगरी, आर यू हंगरी। सैली बोलती है यस। इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट नियर हियर, कि यहाँ आस पास, ये एडवर्ब भी है कि आस पास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, तो देयर से स्टार्ट हुआ यानी इनडेफिनेट नाउन हो गया, अ गुड रेस्टोरेंट इज लगा दिया उसने। इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट नियर हियर। माइक बोलता है यस देयर इज अ गुड एंड चीफ रेस्टोरेंट इन वेलिंगटन स्ट्रीट, वेलिंगटन स्ट्रीट में एक जो है अच्छा और सस्ता रेस्टोरेंट है। तो ये आपका नाउन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, नाउन फ्रेज हो गया। यानी एक रेस्टोरेंट है तो उसके लिए आर्टिकल ये लगा हुआ है और ये दोनों एडजेक्टिव है जो उसकी विशेषता बता रही है। तो ये पूरा नाउन फ्रेज हो गया और ये एडवर्बियल हो गया और ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया और देयर से स्टार्ट हो गया आपका। आगे देखिए, ये क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, आंसर ये है यस नो क्वेश्चंस हैं, तो इन्होंने जवाब नो में दिया है। आर यू स्पेनिश, नो आई एम फ्रेंच। आर यू हंगरी, नो आई एम थर्स्टी। इज योर सिस्टर,
नो सी इज माई मदर. एम आई लेट? नो यू आर ऑन टाइम. आर दे फ्रॉम अमेरिका? नो दे आर फ्रॉम कैनेडा. इज ही अ टेनिस प्लेयर? नो ही इज अ फुटबॉलर. आर यू हैप्पी? नो आई एम सैड. इज सी एट होम? नो सी इज एट वर्क. इज ही 20? क्या वो 20 साल का है? इज ही 20? नो ही इज 18 years old. तो ये आपका सेंटेंस होंगे, यानी ये स्ट्रक्चर जो है आपके इसी बेस पर है. आपके किस बेस पर? इस बेस पर है आपके. ठीक है, नाउन प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब भी अलग आएगा. देयर वाले स्ट्रक्चर वो आपके चीज वही है, इनडेफिनेट नाउन आ जाएगा, फिर एडवर्ब भी अलग आ जाएगा. चीज आपकी दोनों ही सेम है. देखिए ये जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका ठीक है सब ओके. ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और नाउन आएगा. बी के जगह आपका प्रेजेंट में ये आएगा और पास्ट में ये दोनों आएंगे. वॉज पर ये पास्ट होगा और ये प्रेजेंट होगा. इज आर एम प्रेजेंट होगा. कॉम्प्लीमेंट में आपका इस अगर इज आर एम वॉज वर्ब के बाद आपका नाउन या एडजेक्टिव आती है तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और अगर आपका जगह और टाइम आता है तो वो एडवर्बियल कहलाएगा. और यदि ये दोनों आ सकते हैं, दोनों का मतलब अगर नाउन होगा और जगह या टाइम आ जाएगा दोनों. एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर इन अमेरिका नाउ. तो ही आपका जो है प्रोनाउन है, इज आपका जो इज आर एम लगा दिया, इज लगा दिया ही के साथ. कॉम्प्लीमेंट हो गया, अ डॉक्टर नाउन हो गया. कहाँ है तो प्लेस ऑफ एडवर्ब आ गई, इन अमेरिका. और कब है? अभी. तो अभी अमेरिका में वो डॉक्टर है. तो ऐसे सेंटेंस होगा ये. तो ये आपका यूनिट फिनिश, प्रेजेंट आपका सिंपल. अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करें और फॉलो करें उसको, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें उसको, चैनल को. थैंक यू ऑल ऑफ यू.